और भैया शास्त्र बहुत ऊंची बात बोलते हैं, अंते यामति सागति, अंत में आप जिसका चिंतन करते करते मरोगे आपका दूसरा जन्म भी वैसा ही होगा। और आजकल लोग कुत्ता ज्यादा पालत, कुत्ता पालते हैं सो तो ठीक है, आगे के लगे कुत्तन है अपने बेडरूम में सुबाउ। हमें जॉब है, हमें कुत्तों से कोई बीमारी नहीं है। आप सोचोगे महाराज जी कुत्ता पर प्रवचन क्यों देते हैं, कुत्तों से कोई बीमारी नहीं, सिर्फ हमें डर आपका है कि कहूं कुत्ता के संगे परे परे कुत्ता को चिंतन करत करत कहूं अगर मर गए तो दूसरे जन्म में डीओजी डॉग, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं होना है, भौंकते रहोगे। अच्छा बड़ा विचित्र जमाना आ गया, पहले के जमाने में घर के बाहर लिखते थे अतिथि देवो भवा, सुस्वागतम, लक्ष्मी जी सदा सहाय करें, यहां से निकले जो नर नारी सबको सीताराम हमारी। अब मॉडर्न जमाना निकला तो लिख दिया वेलकम। अब और मॉडर्न जमाना आ गया, अब कुछ नहीं स्वास्तिक, अब स्वास्तिक भी चला गया। अब इतना मॉडर्न जमानो आ गया कि बाहर बोर्ड टांगते हैं कुत्तों से सावधान। समझ में नहीं आऊ तक एक स्पेशल कुत्ता है कि सबई। तो एक मृगा के संगते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने, जो घर घर करत सने। तो बड़ी दिक्कत, लेकिन अब इन्हें कौन समझाए, कुत्ता प्रेमी भी बड़े विचित्र होते, और कुत्ता भी एक दो वैरायटी थोड़ी, देसी भी विदेशी भी। आजकल कल हमने गलत जा रहे थे दिल्ली में, एक कोने पे माता जी खड़ी थी, कोने पे निकलते समय तो भाई हाथ में कुत्ता लें थी, हमने कहा माता जी राम राम, बोली महाराज ये आशीर्वाद दे दो। अब ले हो, अब बताओ ये भी कोई बात हुई, आशीर्वाद भी अपने हानि मांगो और लड़वाल ले, कुत्ता लें थी हल्को सो, बोली ये आशीर्वाद दे दो, बताओ तो अद्भुत दिल्ली। हमने हम भी बड़े बारे गाड़ी चलने लगी, हमने धीरे से कहा, हमने कहा माता जी कुत्तन को आशीर्वाद नहीं सीख पाया, और तो सब सीख लो, आदमना देवी की तो कला है पर कुत्तन कौन सा आशीर्वाद भाई। भाई कुत्ता मिलते हैं एक दूसरे से तो पूंछ मिला, पूंछ घुमाऊं लगत, हमारे पूंछ ही नहीं है, कौन सा आशीर्वाद है, आप ही बताओ ये कोई बात हुई, कुत्ता को आशीर्वाद, काय हम एनिमल्स दिख रहे हैं, इंसानों के गुरु हैं कुत्तों के गुरु हैं, बता तो नन्नरी दिल्ली, दिल्ली अद्भुत है, अद्भुत है दिल्ली, हमें कौन भूल ले, चार छह साल नहीं भूल ले। अच्छा चार छह साल इसे ही भूल लें कि जो दोबारा हमें फिर कौन शहर में घुस जाने पड़े, दिल्ली सो नहीं भूल सका ना, कोने में हमें आज अबे भी जब गाड़ी जाने लगा तो कोने में ऐसे यहां से जाते ना वो मुड़ते, अब जो भी मोड़ हो हमें तो पता नहीं, अब मोड़ पे तुरंत ही वो जहां बैरिकेटिंग लगा है वहां तो तुरंत ही मोड़ पे तो वो बड़ी खड़ी थी बढ़िया। अच्छा कुत्ता भी देसी नहीं, बड़े बड़े बारन बारह हो, क्योंकि मोह पता ही ना तो कौन तरा पाए, कुत्ता भी तो अनेक चल गए। एक 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 बार हम एक एक अमीर आदमी के घर गए, बोले गुरुजी हमारे घर पे चरण रख दो, हमें कहे धर दे भी, हम तो फिर गया है। तो चरण धर बे ऊ के घर गए, आरती थाली लेके खड़ो बढ़िया स्वागत भाव हमाओ, आरती आरती लेकर, लेकिन हम जैसे ही गाड़ी से उतरे सो हल्के हल्के बड़े बड़े कुत्ता ही कुत्ता चार पांच, हमने गौर से देखो, हमने कही गुरु अगर एक ही चढ़ बैठो ऊपर तो वे बिस्कुट सो खा जाने, हमने कौन आज लो सुपारी नहीं खाई है, आज लो ऊट पटांग एकदम मीठ हो धरो शरीर,
बामुन आदमी मीठो खा खा के पड़े कहा है वे बिस्कुट सो चबा जाने। हमने कहा देखो भाई अपने राम नहीं उतर रहे यार। चेला बोलो गुरुजी उतरो। हमने कही हम नहीं उतर रहे। बोलो हमने कही पहले कुत्ता ना भगा। अच्छा चेला भी हमसे बड़ो बारो बोलो गुरुजी जी सब शाकाहारी है। माली या कुत्ता भी शाकाहारी होते हैं। तो हमने कही शाकाहारी है तो क्या कहीं। अच्छा हमें तो जो डरा है तो कहे हम कुत्तन की बहुत बुराई करत रही मंचन पे कहूँ कौन उन्हें टीवी में सुनना लई हो है कि जोशिया आए है और चुन के हम यहाँ पकड़ जाए और आगे को लगो वह तो विदेशी इतना शेर बराबर वो का कहा जर्मन सेफ हाउ भारी बड़ो जो मो हमारा मोह तो हुए ऐसे ही ले लेने हैं तो हाउ हमने कही यार हालत। अच्छा वो एक दो नहीं चार पांच हती। जब उन्हें चेला ने डांडस बंधाओ के गुरुजी आप चिंता ना करो हाँ तांत पकड़ो चलो गुरुजी चलो चलो हम कि चलो तो हमारी तो नजर होता ही और जगह जैसो आरती पे आशीर्वाद देवी पे बाकी हमारी नजर पूरे घर में कुत्तनी पे रही कि जे नहा तो नहीं आ रहा है और हमने अपना मुख दल निकाल लो बाय ने कि नहाया है सो हमें मूड में मान रहे हैं हाओ 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 जान बची सो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए। अच्छा जब महाराज जी अब भीतर गए अब सुनना भीतर गए तो साहब कुत्ता और आदमी आदमी भी आते अगर जी जिसकी हम ये घटना बता रहे अगर वो सुना तो ये तो ठटरी बारात हुई है सुना तो हुई है पक्को है। सो आदमी भी आते आदमी भी आते कुत्ता भी आते चा भूलियो ना चा एक हल्को बिलैया बराबर हतो बिल्ली सा सफेद बड़े बड़े बाल जजमान ने बढ़िया स्वागत करो बिस्कुट ले आओ नमकीन ले आओ काजू मखान ले आओ गुरुजी खा हमारी तो भीतर ही भीतर हमें तो जो लगे कवे जो के गुरुजी जाओ नजर होता ही। हमने एक बिस्कुट लाई खाई हमने कही माए जीव आए खबा दो सो हमने कर लो ले सो चेला कहते गुरुजी मौनिया ही तरफ मौ तो दूसरी तरफ आए हम बा बिस्कुट उल्टी तरफ हो देत रहे हमें कौन ज्ञान है देहाती आदमी अपन बाद में जब हमने कही लेते ही खबाया आगे के लगे ऐसा है पालना ही है तो गौ माता को पालो रखना ही है तो गौ माता को रखो गाय राष्ट्र माता है जो गाय माता को रखता है अब तो अच्छा कुत्तों के लिए तुम्हारे पास घर है गौ माता को रखने में शर्म आती है भारत संस्कृति का देश है भारत सनातन का देश है यहां गौ माता की रक्षा होती है जिस घर में गाय होती है उस घर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है इसलिए हमारी व्यासपीठ से प्रार्थना है प्रत्येक हिंदुओं को एक एक गौ माता अवश्य रखनी चाहिए एक एक गौ माता की सेवा करनी चाहिए। गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक गाय एक हिंदू एक गाय एक हिंदू एक गाय एक हिंदू एक गाय एक गौ माता को अवश्य पालो।